24 न्यूज लाइव। क्षेत्र में निकला जुलूस, धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शुक्रवार को पूरे जनपद में धूमधाम से मनाई गई। शहर क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम तो हुए, ग्रामीण इलाकों में भी विभिन्न संगठनों द्वारा जयंती कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगह जगह जुलूस निकालकर बाबा साहब के नारे लगाए गए और गोष्ठियों का आयोजन किया गया। बाबा साहब अमर रहे के नारों के साथ पुरुष और महिलाओं ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। आपको बता दें कि जुलूस वाजिदपुर से चलकर गाजीपुर, आराम गुलजार, मौलनापुर, नथनपट्टी होते हुए भवानीपट्टी, दसवंतपुर से पुनः वाजिदपुर गाँव में खत्म हुआ। वहीं मौलनापुर पट्टी गांव में महेंद्र प्रसाद के घर पे जुलूस में आए लोगों को जलपान की व्यवस्था कराई गई। जहां जलपान किया, वहीं लोगों ने बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं मीडिया से बातचीत में स्थानीय निवासी रवि शास्त्री ने कहा कि बाबा साहब ने कलम की ताकत पर गरीबों को वे सब अधिकार दिलाए जिससे गरीब आदमी भी अपना विकास कर सके। इसी क्रम में मौलनापुर नथनपट्टी गाँव के ग्रामीणों द्वारा दिवाकर मौर्य के नेतृत्व में गाँव में जुलूस निकाला गया। इस मौके पर महेंद्र प्रसाद, विजय कुमार, सौरभ कुमार, रवि शास्त्री, श्याम प्रीत, श्याम सुंदर, जितेंद्र, वीरेंद्र, वैभव, कमलदीप, नीतीश दिवाकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि शास्त्री है। अच्छा, आज ये किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ जो है बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ कई गांव के लोग आते हैं और हम लोगों को पानी, दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे जनता आती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उसके बारे में बताइए। हम लोगों के यहाँ से बाजिदपुर से आती है, भवानीपट्टी से आती है और मौलनापुर, नथनपट्टी, आराम गुलजार, मतलब जुलूस निकलता है। हाँ, जुलूस निकलता है और सब लोग आते हैं, लोग समाज सत्कार करते हैं। कुछ संदेश भी देना चाहते हैं लोगों को? हाँ, संदेश यही देना चाहते हैं, सभी लोग बाबा के कहे हुए उद्देश्य पर चले और उनके मार्ग पर अपना काम करें। अपना परिचय दीजिए। आप श्याम प्रीत का निवासी हूँ। आज यहाँ पर आज मौलनापुर नथनपट्टी में आप आए हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम किया उसके बारे में बताइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर भाई महेंद्र जी मौलनापुर नथनपट्टी ग्राम के निवासी हैं। हम उनके सहयोग में बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर जितना हो सकेगा उतना हम लोग मिल करके सहयोग करेंगे और जुलूस वाजिदपुर, आराम गुलजार, मौलनापुर नथनपट्टी यहाँ आकर इकट्ठा होती है। ताल सिंधोपुर का जल जलपान की व्यवस्था है, जल जलपान की व्यवस्था के बाद उनको फिर अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ा जाता है। ठीक, तो लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पर? 2000 के लगभग लोग आते हैं। सारी व्यवस्थाएँ यहाँ है और पानी पीने के बाद उनको अपने अपने स्थान। ठीक सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सरोज पांडे, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है आप यहाँ पे, इसके बारे में बताइए। माननीय बाबा जी के जन्मदिन को मनाने के लिए मैं पूरी विधानसभा में अपने साथियों के साथ निकला। लगभग कितने लोग हैं जनसभा में? बहुत सारे लोग। ये मतलब कहाँ कहाँ से आप लोग आ रहे हैं, कहाँ? पूरी विधानसभा मतलब देख रहे हैं आप? ठीक।